वालेकुम, वेलकम टू समीरा हाफिज़ ब्लॉग। आप सब अच्छा, आप सबको जुम्मा मुबारक। आज मैं खिचड़ी बनाने जा रही, आज चटनी बनाने जा रही इसके अंदर। आप लोग इसके अंदर पालक की भाजी भी बना सकते हैं, खिचड़ी में खट्टा भी बना सकते हैं और बैंगन सालन भी बना सकते हैं। आप लोग क्या बना रहे जी, मैं एक दिन कमेंट करके बोलिए। चलिए यहाँ पर गैस ऑन कर लेकर थोड़ा एक पल्ली तेल डाल रही हूँ। यहाँ पर तेल डालने के बाद में थोड़ी एक मुठ्ठी प्याज डाल लेना अपने को। प्याज ज़्यादा नहीं डालना है खिचड़ी में, एकदम एक मीडियम साइज डालना है। डालने के बाद में देखिए एकदम लाल भुनना है अपने को प्याज को। भुनने के बाद में देखें यहाँ पर चावल है ना, आधा घंटा पहले भिगा ली थी मैं। ऐसे एकदम भिगाने से खाना बहुत एकदम बारीक आता, बहुत अच्छा पकता, बहुत जल्दी पक जाता। उसलिए मैं चावल हमेशा भिगा के रख लेती यहाँ पर। कोथमीर पुदीना भी तोड़ कर रख ली यहाँ पर, पहले सब पानी में डाल कर रख ली। गर्म मसाला ली, तीन इलायची, चार लौंग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा चकला ले ली। लेने के बाद में यहाँ पर अदरक लहसुन एक चम्मच डाले को एकदम लाल फ्राई करना है इसको। आप लोगों सोच रहे हैं अदरक लहसुन एकदम हरा है, बिल्कुल वही था ना। इसको थोड़ी कोथमीर डाली, थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन को पीस को रख लेती मैं। एकदम ताज़ा बहुत अच्छा था, कब कजा पीसती मैं। सालन में डाल तो बहुत मज़े की है थी, खाने में तो और अच्छा था। पूरा भुनने के बाद में गरम मसाला भी डाल दी, थोड़ी हल्दी डाल दी यहाँ पर। इसके अंदर थोड़ा कोथमीर पुदीना डालना, डालने के बाद में और एक बार लाल भुनना है। बहुत लोग क्या करते हैं मालूम, पूरा प्याज ये सब भी भुनने के बाद में ऊपर अदरक को डालते हैं। यहाँ पर हरा मसाला मत डालिए, वैसा अपने को तेल में डाल कर पूरा एकदम लाल भुनना है। भुनने के बाद में देखिए एक जग पानी डाल रही है यहाँ पर। पानी डालने के बाद में थोड़ी देर उसको पानी का अच्छा पका लेना। देखिए पूरा पानी पक चुका है यहाँ पर। उसके बाद में चावल पहले भिगा के रख ली थी मैं आधा घंटा। यहाँ पर पूरे एक चावल एक साथ डाल लेना अपने को। डालने के बाद में एक बार हिला लेना, दो चम्मच नमक डाली मैं, नमक आपको बताना भूल गई। यहाँ पर एक बार हिला लेना, हिलाने के बाद में तो थोड़ी देर ढक्कन ढक को पका लेना अपने को। चावल भीगे में ना बहुत जल्दी पक जाता, सुबह एक टाइम कुछ भी टाइम नहीं लगता अपने को। एकदम आसान तरीका है खिचड़ी पकाना। बहुत लोग अदन लगते हैं, चावल भिगाते हैं, बघार डालते हैं, मत करिए ऐसा। अपने को चावल पहले भिगाना है, अदन डालना है। अदन डालने के बाद में पूरे एक साथ डालते हो बस अपने को काम, बहुत एकदम आसान तरीका अपने को। इसमें आप लोगों चटनी बना लेते और मज़े की है थी। देखिए मैं खाना पूरा नज़दीक आ चुका है, पानी पूरा एक बार हिला ले। हिलाने के बाद में थोड़ी देर ढक्कन ढक को धीमे आंच पर दम देना अपने को। आप लोगों तवा भी ले सकते हैं, मैं बगैर तवे के नीचे दम दे रही धीमे आंच पर। देखिए यहाँ दम हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद में ढक्कन हटा ली मैं, खाना नहीं, खिचड़ी बना ली, चटनी बना ली। इसके अंदर जो भी सालन बनाए तो बहुत मज़े का दिखता है खिचड़ी में। खट्टा, पालक की भाजी यहाँ पर, बैन सालन बहुत मज़े की दिखती। मेरी यूट्यूब फैमिली पूरा का मैं दावा दे रही आइए खाना खाने के लिए। आप लोग आज क्या बना रहे तो कॉमेंट करके बोलिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।